एक बार की बात है, दो दोस्त हीरा और प्रकाश जंगल में खजाने की तलाश में निकल पड़ते हैं और चलते चलते वो दोनों जंगल में भटक जाते हैं। हीरा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि हम दोनों जंगल के गलत रास्ते पर आ गए हैं? यहाँ तो चारों तरफ सन्नाटा और अंधेरा है। ये जंगल इतना घना है कि सूरज की रोशनी तक हमारे पास नहीं पहुँच रही। तुम्हारी बातों से तो यही लगता है कि डर गए हो। मुझे नहीं मालूम था कि तुम इतने डरपोक निकलोगे। ऐसी बात नहीं है, मुझे कभी किसी से डर नहीं लगता, पर आज पता नहीं क्यों अजीब सा लग रहा है। अभी थोड़ी और देर की बात है, जब हमारे हाथ खजाना लगेगा तब तुम्हारा ये डर और ये अजीबपन सब दूर हो जाएगा। दोनों दोस्त आपस में बात करते हुए आगे चले जा रहे थे कि तभी प्रकाश को कहीं से खाने की खुशबू आने लगती है। ये खुशबू तो खाने की आ रही है, और ये खाने की खुशबू मेरी भूख और बढ़ा रही है। खुशबू तो मुझे भी आ रही है, पर मेरी ये समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ इतने घने जंगल में कौन रहता होगा। जरूर कोई इंसान ही होगा, तभी तो खाने की खुशबू आ रही है। चलो चलकर देखते हैं। दोनों दोस्त खाने की खुशबू के पीछे पीछे चल देते हैं। कुछ दूर जाकर उन्हें एक बांस से बना झोपड़ा दिखाई देता है, जिसकी खिड़की से धुआं भी निकल रहा होता है। हीरा और प्रकाश झोपड़े के नजदीक जाते हैं और आवाज लगाते हैं। कोई है अंदर झोपड़े में? अगर कोई है तो कृपया बाहर आइए। तभी झोपड़े के अंदर से एक बूढ़ी औरत बाहर निकल कर आती है और जोर जोर से हंसने लगती है। आखिर मेरे खाने की खुशबू तुम्हें मेरे पास खींची लाई। मैं भी क्या करूं, मैं खाना जो इतना स्वादिष्ट बनाती हूँ। वो सब बाद में, पहले ये बताओ कि तुम इतने घने जंगल में अकेली क्या कर रही हो? तुम्हें डर नहीं लगता यहाँ? नहीं, मुझे डर नहीं लगता, और मैं यहाँ अपने लिए नहीं तुम जैसे रागीरों के लिए रहती हूँ। यहाँ जंगल में जो भी आता है खो जाता है, खोने के बाद वो भूखा प्यासा यहीं जंगल में तड़प तड़प कर अपना दम ना तोड़ दे, इसलिए मैं उन सब के लिए यहाँ खाना बनाती हूँ। ये मेरा छोटा सा बांस का ढाबा है, क्या तुम दोनों मेरे ढाबे का खाना खाना पसंद करोगे? मैं खाने के कोई पैसे नहीं लूंगी, जितना मन करे पेट भर कर खाना। बूढ़ी औरत दोनों को अपने बांस से बने ढाबे के अंदर ले जाती है और उनके लिए खाना परोसती है। हीरा और प्रकाश को खाना बहुत स्वादिष्ट लगता है। काकी, आप खाना बहुत स्वादिष्ट बनाती हो, मेरा तो पेट भर गया पर मन नहीं, इसीलिए मैं तो और खाऊंगा। मैंने इतना स्वादिष्ट खाना पहले कभी नहीं खाया। दोनों दोस्त खाने में व्यस्त थे कि तभी खाते खाते उन दोनों के शरीर में कुछ अजीब सा होने लगता है। ये क्या हो रहा है? मुझे घुटन सी महसूस क्यों हो रही है? तभी बूढ़ी औरत चुड़ैल में बदल जाती है, दिखने में बहुत डरावनी। प्रकाश, ये कोई बूढ़ी काकी नहीं, ये तो कोई चुड़ैल है। मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे कुछ और चाहिए। पूछोगे नहीं कि मुझे क्या चाहिए? हाँ, तुम्हें क्या चाहिए बताओ, हमारे पास जो है हम सब तुम्हें दे देंगे। और हाँ, हम इस जंगल में खजाना खोजने आए थे, वो भी हम तुम्हें दे देंगे मिलने पर। खजाना? मेरा ही खजाना मुझे देने चले हो? यहाँ कोई भी आता है मुझसे बचकर नहीं जाता, देखो जरा अपने आप को। तभी दोनों बहुत छोटे हो जाते हैं, बिल्कुल मक्खी के बराबर। ये तुमने हम दोनों का क्या कर दिया? हमें कीड़ा मकोड़ा क्यों बना दिया? मुझसे ज्यादा बहस करने की कोई जरूरत नहीं, ज्यादा बोलोगे तो अपने पैरों से मसल दूंगी तुम्हें। चुड़ैल उन दोनों को एक कांच के कार में बंद कर देती है। उसके बाद वो चुड़ैल फिर से अच्छा अच्छा खाना बनाने में लग जाती है। मेरा ढाबा है सबसे न्यारा, एक बार जो मेरे हाथ का बना खाना खाए तो खाता ही जाए। हीरा,
इस चुड़ैल ने हमें एक तो इतना छोटा कर दिया है, ऊपर से हम दोनों को इस जार में बंद कर दिया। मेरा यहाँ दम घुट रहा है। हम बहुत छोटे हो गए हैं। अगर हम किसी से मदद भी मांगे तो कैसे मांगे? हमारी आवाज जंगल से बाहर तो क्या इस जार के बाहर तक भी नहीं जाएगी, इसीलिए अब हम कुछ नहीं कर सकते। दो दिन बीत जाने के बाद जंगल में पांडू नाम का आदमी खाना बनाने के लिए लकड़ियां लेने आता है। तभी उसकी नजर चुड़ैल के ढाबे पर पड़ती है। जंगल के बीचों बीच ये क्या है? कौन होगा वहाँ? और उसमें से तो धुआं भी निकल रहा है। पांडू, मुझे तो कुछ गड़बड़ सी लग रही है, इसीलिए निकल चल यहाँ से। चुड़ैल पांडू को देख लेती है और पांडू को वो जाने नहीं देती, उसका रास्ता रोककर खड़ी हो जाती है। मेरे ढाबे का खाना खाए बगैर तुम कैसे जा सकते हो? मैंने तुम्हारे लिए बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाया है, चलो अंदर। मुझे नहीं खाना, मेरा पेट भरा हुआ है, मैं खाना खा कर ही घर से निकला था। पांडू के न कहने से चुड़ैल बहुत गुस्सा हो जाती है और जबरदस्ती पांडू को खींचती हुई अपने ढाबे में ले जाती है और जबरदस्ती उसे खाना खिलाती है। मेरा पेट भर चुका है। अब जाने दो मुझे, जाने दो। जाओ जाओ, भागो, अगर भाग सकते हो तो भाग जाओ। तभी पांडू बहुत छोटा हो जाता है और भाग नहीं पाता। ये तुमने मेरा क्या हाल बना दिया। अब मैं अपने घर कैसे जाऊंगा, अपने बच्चों से कैसे मिलूंगा? चुड़ैल उसे भी एक जार में बंद करके एक कोने में टांग देती है। तभी ढाबे पर एक बहुत सुंदर सी लड़की आरती आती है और वो चुड़ैल को माँ कहकर पुकारने लगती है। माँ, मैं आ गई। बहुत दिन लगा दिया मेरी बेटी तुमने, तुम्हें पता नहीं कि तुम्हारी माँ को तुम्हारी हर पल कितनी याद आई। आ जा मेरी बेटी, अपनी माँ के गले लग जा। माँ, एक बात बोलूं? हाँ मेरी बेटी, बोलो। माँ, ये ढाबा जंगल में नहीं चलेगा, इसे बंद कर दो। वैसे भी यहाँ जंगल में कौन आएगा हमारा खाना खाने? बेटी, तुम्हें नहीं पता कि हमारा ये ढाबा कितना मशहूर हो गया है? हमारे ढाबे पर खाना खाने लोग दूर दूर से आते हैं। तुम देखना, एक दिन ये ढाबा जंगल को एक शहर में बदल देगा। यहाँ चारों तरफ पेड़ पौधे, नहीं नहीं, गाड़ियाँ और बड़े बड़े मकान होंगे। ठीक है माँ, अब मुझे खाना खिला दो क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी है। चुड़ैल आरती के लिए जल्दी जल्दी खाना बनाती है और उसे अपने हाथों से खिलाती है, क्योंकि आरती खुद से नहीं खा सकती थी, क्योंकि आरती के दोनों हाथ नहीं थे। सुबह का समय था, आरती सोई हुई थी। तभी चुड़ैल जंगल के बाहर जाती है रूप बदल कर वही बूढ़ी औरत बनकर, और आते जाते लोगों को अपने बांस के ढाबे पर मुफ्त में खाने का न्योता देने। मेरे ढाबे पर आओ और पेट भर कर मुफ्त में खाना खाओ। मेरे मुंह में तो पानी भर आया, ये सब तो मैंने कभी नहीं खाया। बूढ़ी औरत आगे आगे और सभी लोग उसके पीछे पीछे। थोड़ी दूर चलने पर चुड़ैल का बांस का ढाबा आ जाता है। बांस से बने ढाबे को देख सभी चौंक जाते हैं, पर उन सबका ध्यान सिर्फ खाने पर था। पर कोने में लटके जार के अंदर जो लोग बंद थे वो जोर जोर से चिल्लाते हैं, आवाजें देते हैं, पर कोई उनकी आवाज नहीं सुनता। अब कुछ नहीं कर सकते क्योंकि वो सभी लोग चुड़ैल का बना खाना खा चुके हैं। चुड़ैल जब लोगों को जार में बंद करके छुपा रही होती है, तभी आरती पीछे आ जाती है और पूछने लगती है, माँ क्या छुपा रही हो, क्या है तुम्हारे हाथ में, दिखाओ जरा। कुछ नहीं है, मैं तो बस कुछ पुराना सामान रख रही थी। आरती को कुछ अजीब लगता है, पर बिना हाथ के वो कुछ नहीं कर सकती थी। चुड़ैल सभी को छुपा कर बाहर चली जाती है। अब चारों तरफ सन्नाटा था कि तभी आरती को कुछ आवाज सुनाई देती है। कौन, कौन है? दोनों मिलकर जार को खिसकाते हुए किनारे तक तो ले आते हैं, पर उसे नीचे नहीं गिरा पाते। पर आरती की नजर उन पर पड़ जाती है। अरे ये सब क्या है, कौन हो तुम और यहाँ कैसे आए? हीरा इशारा करके जार को खोलने के लिए बोलता है, पर हाथ न होने की वजह से आरती जार को खोल नहीं पाती। अब आरती अपने मुंह से जार को खोल देती है। हीरा और प्रकाश चुड़ैल की हरकतों के बारे में सब बता देते हैं। तभी पीछे से चुड़ैल आ जाती है। माँ, माँ ये सब तुमने क्यों किया? 4 साल पहले तुमने बड़े ही प्यार से ये ढाबा खोला था, पर इस ढाबे पर लोग खाना खाने तो आते पर पैसे नहीं देते खाने के। जब हमने इनकी शिकायत सरपंच से की तो सरपंच भी इन सब के साथ मिल गए, और रातों रात हमारा ये बांस का ढाबा उन्होंने तुड़वा दिया, उसमें आग लगा दी।
उसी आग में तो मैं मर गई, पर तुम्हारे ये हाथ चले गए। बस मैं तुम्हारे साथ रहकर इन सब का बदला लेती रही। माँ तुम बहुत अच्छी हो, पर जो हुआ सो हुआ, इन सब को छोड़ दो, जाने दो। बेटी की बात मानकर चुड़ैल सभी को पहले जैसा कर देती है और जाने देती है।